टाटा मोटर्स से निष्कासित 407 कर्मचारियों ने नियोजन की मांग को लेकर उप श्रम आयुक्त कार्यालय का दरवाजा खटखटाया है। सन 2010 में फर्जी दस्तावेजों की वजह से टाटा मोटर्स से निष्कासित 407 कर्मचारियों का कहना है कि उनकी नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर हुई थी, इसलिए उन्हें इस तरह कंपनी प्रबंधन निष्कासित नहीं कर सकता है। उनका नेतृत्व कर रहे भाजपा नेता धनुधर त्रिपाठी ने कहा कि कंपनी प्रबंधन की इस तुगलकी नीति के विरोध में जोरदार आंदोलन चलाया जाएगा। बंधन होश में ठीक नहीं मांगते, ठीक नहीं मांगते। अप्रैल को हमने टाटा मोटर से निष्कासित 460 लगभग TMST कर्मचारियों के लेकर के हमने मांग किया था कि नैसर्गिक न्याय के रूप में, चूँकि उन्हें अनुकंपा के आधार पर नौकरी टाटा मोटर्स कंपनी ने दी थी, उन्हें बुलाया जाए जिन्हें फर्जी मैट्रिक सर्टिफिकेट के नाम पर निष्कासित किया गया था। साथ ही साथ हमने एक तर्क दिया था कि कंपनी ने उसी समय बाई जीरो ग्रेड में यानी सुपरवाइजरी यूनिट में कुछ लोगों को बहाल किया था जो कंपनी के प्रभावित और प्रभावी लोगों के पुत्र या संबंधित थे, उन्हें बाद में डिग्रेड करके, उनका भी फर्जी सर्टिफिकेट था, उनको भी डिग्रेड करके बाद में कंपनी ने अपने और समायोजित किया था। मैं ये दोनों विषय को रखते हुए कहा था कि आप भी यदि चाहे तो इन 460 कर्मियों को भी आप डिग्रेड करके, चूंकि ये अनुकंपा प्राप्त कर्मचारी पुत्र हैं जिनके पिता ने वर्षों आपके यहाँ नौकरी की है और ये लोग, इन लोगों ने भी 3 साल की आपकी टाटा स्किल ट्रेनिंग को, टाटा मोटर स्किल ट्रेनिंग को पूरा किया, उसके बाद वर्षों तक आपके यहाँ सेवा किया, बाद में कालांतर में आप मैट्रिक सर्टिफिकेट के नाम पर जिन्हें निकाले हैं आप इन्हें नहीं निष्कासित कर सकते क्योंकि ये अनुकंपा के आधार पर अपनी नौकरी प्राप्त की है। उसके जवाब में कंपनी ने हमें जवाब भेजा है आदरणीय हम लोग के उपश्रमायुक्त के माध्यम से, उपश्रमायुक्त महोदय के माध्यम से, जिसमें उन्होंने कहा है कि आपके एलिगेशन झूठे हैं। आज मैं वो दो मुद्दे पर, मैंने पहले जिन्हें इन्होंने निष्कासित किया था, जिन्हें 3 साल की ट्रेनिंग दी गई थी, उनके सर्टिफिकेट्स और साथ ही साथ उन लोगों का लिस्ट जिन्हें डिग्रेड करके कंपनी ने रखा है, उनके झूठ को पर्दाफाश करने के लिए आज DLC महोदय को हमने पूरा डॉक्यूमेंट जो है आज सौंपा है और मांग किया है कि ये तत्काल इस पर कार्रवाई करें, अन्यथा उन्हीं के पत्र जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं किसी को टर्मिनेट नहीं किया हूं, इसी को प्रमाण पत्र मानते हुए उनके जनरल मैनेजर ER वेलफेयर MCSR का, इसी को प्रमाण पत्र मान करके एक सप्ताह के अंदर में यदि इस पर कार्रवाई और कार्य नहीं करते हैं वो, तो हम सीधे सीधे कर्मचारियों को कहेंगे कि इस प्रमाण पत्र के आधार पर सीधे अपना योगदान करने कंपनी में पहुंचे और किसी तरह का वायलेशन होता है तो इसकी जिम्मेवारी कंपनी की। टेलको वर्कर्स यूनियन चुनाव के सरगर्मी बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को यूनियन के एक धड़ा ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। टेलको वर्कर्स यूनियन चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को यूनियन के एक धड़ा ने उपायुक्त को शीघ्र चुनाव कराए जाने की मांग के साथ ही माननीय हाईकोर्ट के आदेश की प्रतिलिपि भी सौंपा है। जुलाई 2015 में आदेश पारित करते हुए उसी दिन से 28 दिन के अंदर चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए DC और सीनियर SSP साहब दोनों को निर्देश दिया है और हम लोग DC साहब से अनुरोध करते हैं कि फुल कंट्रोल एंड सुपरविजन में, जो हम निरंतर मांग करते आ रहे थे और काफ़ी मजदूरों का सहयोग रहते हुए सब मजदूरों का आशा था कि जो टेन्योर, जो पुरानी कमेटी का टेन्योर खत्म होने के बाद वो अपने पद पर बने हुए थे, इसलिए ये आदेश आया और हम लोग DC साहब से मांग करते आए हैं कि जल्द से जल्द इस चुनाव प्रक्रिया को प्रारंभ कर। साक्षी में आयोजित भाजपा की बैठक में निगरानी समिति का गठन किया गया है। समिति के सदस्य विभिन्न विभागों का दौरा कर कर्मचारियों की उपस्थिति एवं कार्यों के निष्पादन की पड़ताल करेंगे। जनसंपर्क जो अभियान चालू होने हुआ है उसी को लेकर बैठक है और हर एक पदाधिकारियों को अपनी अपनी जिम्मेवारी दी गई है मंडल वाइज, जो कि वहाँ जनसंपर्क अभियान में संपर्क में निकलेंगे और एक संगठन के तरफ से एक निगरानी समिति भी बनाई गई है, उसकी भी बैठक है। हर एक विभाग का अलग अलग जो सरकार का जन कल्याणी योजना है उसको सही तरीके से धराधर पर पदाधिकारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कहाँ भ्रष्टाचार है क्या है, वो जिला कमेटी का निगरानी समिति बनाया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भविष्य निधि कार्यालय में विभिन्न निधि कार्यों के निपटारे के लिए केंद्र के दिशा निर्देशों के मुताबिक निधि आपके निकट कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
सहायक आयुक्त सुरेंद्र कुमार ने कहा कि सभी लंबित कार्यों का निपटारा जल्द होगा। भारत सरकार श्रम मंत्रालय के अधीन जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है उसके द्वारा ये इनिशिएट किया गया प्रोग्राम है, जिसमें हर महीने के 10 तारीख को हम जो है अपने सब्सक्राइबर एम्प्लॉयर्स जो हमारे निधि धारक है और नियोक्ता है उनकी कोई भी उनको अगर हमारे विभाग के प्रति कोई शिकायत है के लिए जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं और उनका हम जो है सारा ग्रीवांग जो है। गुलमुरी में बहू द्वारा ससुराल पर आरोप लगाए जाने के बाद अब बहू के विरोध में पूरा मोहल्ला खड़ा हो गया है। मालूम हो कि गोलमुरी पार्वती अपार्टमेंट के रहने वाले राकेश कुमार की पत्नी जया कुमारी ने मारपीट व प्रताड़ना की शिकायत करते हुए मायके में रह रही और उसने खुद को आग भी लगा लिया था। इधर शुक्रवार को न सिर्फ मोहल्ले वाले बल्कि महिला के बच्चों ने भी उसके खिलाफ बयान दिया। ससुराल वाला जलाया, लेकिन लड़की है मायके में 10 दिन से, तो ससुराल वाला जलाया कैसे? ठीक है, अच्छा, उन लोग का आरोप है कि ये लोग मतलब टोचन तो टोटन दिया तो जाते जाते जलाता, जलती जाते जाते नाग लगाती, फिर 10 दिन के बाद क्यों लगाई? ये भी तो सवाल उठ सकता है, 10 दिन के बाद क्यों लगाई? तो लोग आरोप आरोप थोपे जा रहा है कि 4 लाख रुपया लड़का मांगा था, लेकिन ये सब बात गलत है। जो जो बेड़ा किस क्लास में पढ़ते हो और कौन से पढ़ते हो? फोर्स SDSM स्कूल में पढ़ते। क्या हुआ था बताइए तो, मम्मी किस पास में क्यों नहीं जाना चाहते? हम लोग जब घर आए थे नहा घूम के समर वेकेशन से, तैसे मम्मी बोली कि उनको उनके मायके जाना है, पापा जाके छोड़ रहा है। उस जब मायके गए मम्मी, उसके 10-15 दिन बाद मम्मी घर जाके अपना जल गई ना, और पापा और मम्मी पापा और दादी पे केस लगा रही है कि एक पापा और दादी उनको जला दिए वहाँ पे जाके, जबकि पापा और दादी वहाँ पर देख कागजात भी करने नहीं जाते थे। पापा आप लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ। पापा प्यार करते हैं। हाँ। करम सिटी कॉलेज में शुक्रवार को नए छात्रों का स्वागत किया गया, जिसे इंट्रोडक्शन मीटिंग कहा जाता है। इंट्रोडक्शन मीटिंग में करीम सिटी कॉलेज के प्राचार्य एवं सभी टीचिंग स्टाफ एवं नॉन टीचिंग स्टाफ ने नए छात्रों का स्वागत किया और एक दूसरे से परिचय प्राप्त किया। प्राचार्य प्रोफेसर एम जकारिया ने सभी का स्वागत करते हुए कॉलेज के अनुशासन से संबंधित तमाम जानकारियां छात्रों को दी। बीच बीच में बारिश के कारण पड़ रही खलल के बावजूद इंट्रोडक्शन ठीक ठाक ढंग से संपन्न हुआ और सभी की उज्जवल भविष्य की कामना की गई। पार्डे स्थित कुमकुम बस्ती के लोगों ने SSP से मिलकर शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पार्डे के पास स्थित कुमकुम बस्ती के लोगों ने SSP से शराब माफियाओं की शिकायत की है। उनका कहना है कि मेहनत मजदूरी करने वाले लोग अपनी सारी कमाई शराब में उड़ा रहे हैं और मना करने पर शराब माफिया उन्हें धमकी दे रहे हैं। हम लोग आया है कि उधर ले, वहाँ जो हम लोग आगे से भी छेड़े हुए हैं शराब अंदर के लिए, वो अभी तक कोई लगाम में नहीं आ पा रहा है। दिनों दिन वहाँ का जो दारू माफिया लोग धमकी उमकी दे रहा है, अभी भी सुचारू रूप से दबंगगिरी करके वो लोग दारू बेच रहा है, और वहाँ का जो परिस्थिति है गरीब गुरबा है, डेली मजदूर करके खाते हैं, वो लोग का बहुत ही दैनिक स्थिति में पड़े हुए हैं। डेली लोग मर रहे हैं दारू पी के, इधर उधर चोरी चमारी, पीढ़ी बर्बाद हो रहा। साईनाथ NGO के द्वारा न्यू रानी कुदर में महिला रजक समाज की बैठक में महिलाओं के उत्थान पर चर्चा की गई। न्यू रानी कुदर में आयोजित बैठक में महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में हुनर आजमाइश के जरिए उन्हें स्वावलंबी बनाए जाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। इसमें महिलाओं को एग्रीकल्चर पेपर वर्क सहित अन्य सामग्रियों के विषय में जानकारी दी गई। आज यहाँ पर पेपर बैग, एप्रिक वर्क और फैंसी बैग का ट्रेनिंग यहाँ मैं शुरू करने जा रही हूँ, और शहर के लोगों को काफी मतलब ये है कि ग्रामीण के लोगों को ज़्यादा फैसिलिटी दी जा रही है, शहर के लोगों को नहीं। आज यहाँ शहर के ही लोग हैं, लेकिन शहर के लोग किस तरह अपने घर बैठे रोजगार कर सके उस बारे में बातचीत हुई है। यहाँ पेपर बैग, आपका एप्रिक वर्क है, फ्लोरिकल्चर है, कुछ नर्सरी एग्रीकल्चर के बारे में भी बताया जा रहा है। बंगाल क्लब में शुक्रवार को 3 दिवसीय कला कार्यशाला और प्रदर्शनी का शुभारम्भ हुआ। जाने माने कलाकार अचिंतम गुप्ता ने कैनवस पर तस्वीर बनाकर कार्यशाला सह प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने नई पीढ़ी को इस कला के जरिए करियर तलाशने को प्रोत्साहित किया।
कार्यशाला सह प्रदर्शनी में शहर के कुल 27 कलाकार भाग ले रहे हैं। 10 एवं 11 जुलाई को कार्यशाला होगा जबकि 12 जुलाई को प्रदर्शनी लगाई जाएगी। ये हमारी एक फर्ज बनती है कि मैं एक कलाकार होने के नाते जमशेदपुर की कला को उत्थान के लिए कुछ करूं, और उसी का ही प्रयास है कि पांचवां साल हम लोग के कला मेला का ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, जो विंग्स ऑफ कलर के नाम से, विंग्स ऑफ कलर 2015 के नाम से हम लोग इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और इससे सबसे बड़ी बात है, जो सीनियर आर्टिस्ट है उनको शायद जूनियर आर्टिस्ट बोलेंगे, नहीं स्टूडेंट बोलेंगे, वट एवर इट, तो उनका एक इंटरप्शन होता है। इससे कला तथा कलाकारों का काफ़ी उत्थान होता है, और हम लोग इस कला गैलरी के माध्यम से कला के उत्थान के लिए काफ़ी काम करने की कोशिश कर रहा हूँ भी हूँ।